हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव का मैंने फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दिया, जिसमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और उसके अलावा थोड़ा सा हम एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उनके मेथड को मैंने बता दिया है। आज जो है हम एडजेक्टिव का सेकंड पोर्शन कवर करेंगे और ये बेसिकली जो सेकंड पोर्शन है ना वो डिग्री पर बेस्ड है। किस पे? डिग्री पर बेस्ड है और ये खासकर कौन सी क्लास के लिए है? क्लास सेवन्थ के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा ये डिग्री क्या होता है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर आपके सामने कोई भी नाउन आता है, नाउन आपको पता है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन या प्रोनाउन, आपके सामने कोई भी आता है, अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, ओके, तो उस केस में क्या होता है कि उनके बीच में क्या क्वालिटी है। मींस उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि एक दूसरे के कंपेयर में कहीं ज़्यादा सुपीरियर तो नहीं है, मींस एक दूसरे के कंपेयर में अधिक उसका साइज तो नहीं है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा तो नहीं है, साइज ज़्यादा नहीं है, शेप ज़्यादा नहीं है, साइज कम है या शेप कम है या डिस्टेंस कम है। तो ये क्वालिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डिग्री का। किसका? डिग्री का यूज करते हैं और डिग्री के बेस पे ही हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हम लिखते हैं। तो आज बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कभी ना कभी, डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका यूज हम बेसिकली किसके लिए करते हैं? फॉर कंपैरिजन। किसके लिए करते हैं? फॉर कंपैरिजन मीन्स आपको अगर किसी के साथ कोई कंपेयर करना है तो हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? हाँ, वेरी गुड, डिग्री का यूज करते हैं। किसका यूज? डिग्री का, फॉर कंपैरिजन। अब इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि चलो ठीक है, हम तो डिग्री का यूज़ मींस एडजेक्टिव का यूज़ हम कंपैरिजन के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे सामने डिग्री कितने फॉर्मेट में आती है? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। एक इसमें आपका आता है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंपल, जब आप किसी पर्सन या प्लेस या थिंग्स या एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो ना, तो उस केस में हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। मींस इसमें नो कंपैरिजन होता है। क्या? नो कंपैरिजन होता है। आई बात समझ में? अब कुछ कुछ केसेस में होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, समझ गए? जब हम आगे देखेंगे ना किस केस में होगा किस केस में नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, जिसमें एज एज का यूज़ करते हैं, सो एज का यूज़ करते हैं, तो उस केस में लगा के हम दो के बीच में या दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर करवा देते हैं, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो अभी यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। तो अभी तो आपको केवल इतना याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी पर्सन का कंपेयर किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं करना है। मतलब सिंपल, अगर हम इसके बारे में बता रहे हैं, किसके, ए के बारे में बता रहे हैं, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। और दूसरी सबसे बात, नोट में जो मैंने यहाँ लिखा है, इसके साथ ना तो आप द का यूज करोगे, ना ही इसके साथ आप मोर लगाओगे, ना ही इसके साथ आप ईआर लगाओगे, ना ही इसके साथ आप आईआर लगाओगे, ना ही इसके साथ आप मोस्ट लगाओगे। ये सारी चीज़ें इसके साथ नहीं आता है, समझ गए? ये बात थोड़ा सा याद रखना। अब जैसे सपोज करो ए है, अब ए बहुत ही पढ़ने में क्या है, इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट है। अब इसका हमें किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं करना, कोई तुलना नहीं करना, तो सिंपल सा हम लिख देंगे पॉजिटिव डिग्री में, इसको मैं लिखूंगा ए इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को आप खुद पढ़िए और इस सेंटेंस को आप पढ़ने के बाद आप इसमें गेस करिए कि इसमें किसी का किसी के साथ कोई तुलना हो रहा है। मींस ए का कंपेयर हम किसी के साथ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहां जो डिग्री लगाई ना, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। क्या? पॉजिटिव डिग्री। और आप इसमें देख सकते हो इनमें से कोई भी चीज
इसके साथ नहीं लगा हुआ है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद सेकेंड टाइप देखते हैं, कौन सा टाइप? सेकेंड, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। नाम से समझ में आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। इसमें क्या हो रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। किसके बीच में कंपेयर करोगे? कोई दो पर्सन होंगे, या कोई दो थिंग्स होंगे, या कोई दो एनिमल्स होंगे, उन्हीं के बीच में आप क्या करोगे, तुलना करोगे, क्या तुलना करोगे। इसमें हो सकता है एक की डिग्री एक से क्या हो, ज़्यादा हो, या एक की डिग्री एक से क्या हो, कम हो। जब हम एक की ज़्यादा बताएंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे की उसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, क्वालिटी कम हो जाएगी, मीन्स उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अब जैसे सपोज करो यहाँ दो लोग हैं, ए और बी, अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करवाना, तो वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में देयर इज अ कंपैरिजन, इसमें क्या हम करते हैं, तुलना करते हैं, समझ गए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज होता है, आई ई आर का यूज हो सकता है, ई आर का यूज हो सकता है, ये सही होता है। गलत क्या होगा इसके साथ, मोस्ट का यूज गलत हो जाएगा, ई एस टी का यूज इसके साथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंपैरेटिव डिग्री में हम मोस्टली केसेस में दैन का यूज करते हैं, मींस मोस्टली केसेस में ज़्यादातर हम दैन का यूज करते हैं, और ये वाला दैन करते हैं ना कि ये वाला दैन करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कंजंक्शन होता है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता, तो एडवर्ब ऑफ टाइम से हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम किससे कंपेयर करेंगे, कंजंक्शन से कंपेयर करेंगे। ओके, ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ इन दोनों को लेके, सेम यही इंटेलिजेंट को ही लेते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा, ए इज मोर इंटेलिजेंट देन बी। अब देखो इसमें तुलना हो गया, एक तो ए का तुलना किसके साथ कर रहे हैं, बी के साथ में कर रहे हैं। इसमें ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, ए है, ऐसा नहीं बी इंटेलिजेंट नहीं, बी भी इंटेलिजेंट है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट है वो कौन है, ए है। अब आगे फर्दर थोड़ा सा चेक करते हैं, तो पता ही आपको लिंकिंग वर्ब है, यहां पे जो इंटेलिजेंट है ना, इसके साथ आपने मोर लगा दिया, और मोर लगा के आपने इसको क्या बना दिया, सीडी बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री यहां पे आपने बना दिया। कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग हियर टू पर्सनैलिटीज, वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी। और दूसरी बात, इसके साथ हमें दैन का यूज करते हैं, तो हमें ऊपर वाला लगाना है, ना कि हमें नीचे वाले का यूज करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ देख लो, दैन यहाँ लगा हुआ है और मोर यहाँ पे लगा हुआ है, और कंपैरिजन हो रहा है, और किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन टू, आप यहाँ लिख सकते हो बिटवीन टू पर्संस एनिमल्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, थिंग्स ETC, ओके। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका एक पार्ट और थोड़ा सा हम देखते हैं, वो कौन सा पार्ट है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने लिखा, ए इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास। अब देखो ध्यान से, इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे ना, तो देखो यहां देन आया है,
और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, ये सीडी आपको ऐसे दिख रहा है, देखो यहाँ सीडी लगा ना, यही सीडी यहाँ पे लगा हुआ, और देन यहाँ पे है, देन देखो यहाँ पे लगा हुआ है, लगाया नहीं लगाया। लेकिन इसमें अगर ध्यान से आप कंपेयर करो ना, तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों का एक ग्रुप अलग हो गया और उसी में ए भी इन्वॉल्व है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ए एक्सक्लूडेड है, नहीं, ए उसमें इंक्लूडेड है। तो मतलब ए जो है ना, ये जो बच्चों का पूरा ग्रुप बन रहा है, कौन सा, ये क्लास जो बन रहा है, मतलब स्टूडेंट्स का जो पूरा ग्रुप बन रहा है, उसमें ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंटेलिजेंट हो रहा है। तो एक बात याद रखना, अगर टीचर्स कोई भी आपको पढ़ाता और जो बात वो बोलता है उसको बिल्कुल एक्यूरेट मत माना करो, क्योंकि कंडीशन के अनुसार बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, अगला टाइप देखते हैं जिसका नाम क्या है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, नाम से समझ में आ रहा है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होगा ना, ये जो हम कंपेयर करवाएंगे, इसमें हो सकता है जैसे ए ए स्टार है, ये बी स्टार है और ये सी स्टार है। कंपेयर हमेशा याद रखना इसमें मोर देन टू के बीच में होता है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो वी ऑलवेज कंपेयर मोर देन टू पर्संस, टू एनिमल्स, टू थिंग्स। ओके, तो आप यहां पर इसको लिख सकते हो कंपैरिजन अमंग मोर देन टू पर्संस एनिमल्स थिंग्स ईटीसी। मतलब यहां पे जो आप कंपेयर करोगे ना, कंपैरिजन हमेशा दो से ज्यादा के बीच में होगा, इसीलिए हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसका, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। इसके साथ में जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं ना, तो इसके साथ या तो मोस्ट लगा होगा, या ईएसटी लगा होगा, या आईएसटी लगा होगा, या फिर हम मोस्टली केसेस में दा का यूज करते हैं। कुछ केसेस में नहीं होता, वो हम बाद में देखेंगे। मोस्टली केसेस में आपको क्या मिलेगा, दा का यूज मिलेगा। और इसके साथ गलत क्या होगा, वही ऊपर वाली चीज, जैसे मैंने देन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, या मोर लगा दिया, या आई ई आर लगा दिया, या ई आर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। मीन्स यहाँ कंपैरिजन हमेशा दो से ज़्यादा के बीच में किया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सपोज करो मैं ये लिखूं, द स्टार सी, द स्टार सी इज द बिगेस्ट अमंग दीज स्टार्स, दीज स्टार्स। अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे ये बोला कि जो स्टार सी है ना, वो जो स्टार्स हैं कौन कौन, ए और बी, इनके बीच में सबसे क्या है, बड़ा है। देखो ध्यान से, इस सी का कंपेयर हमने किसके साथ किया, ये जो स्टार्स हैं कौन, ये वाली जो स्टार्स हैं, इनके साथ मैंने कंपेयर किसका साथ कर दिया, सी का कर दिया, और सी को इनसे मैंने क्या बना दिया, सबसे बड़ा बना दिया। इसलिए यहाँ पे मैंने कौन सी डिग्री ली, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। क्या, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगा है, दा लगा है, और लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे ईएसटी भी लगा हुआ है, लगा या नहीं लगा है। अब एक काम करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में थोड़ा सा और देखते हैं कुछ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को एक से दो बार देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, चाहे आप कोई भी पेपर दोगे, चाहे आप सेवन्थ में दो, चाहे एट्थ में दो,
इवन आप जब बड़ी क्लासेस में भी जाओगे ना, वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। अब इसमें एक दो नोट देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट। वी कैन यूज वेरी कॉमा मच, मच विथ सुपर लेटिव डिग्रीज। ओके, जैसे कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है और खासकर वो प्लेन सुपरलेटिव डिग्रीज। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा ये प्लेन सुपरलेटिव डिग्रीज कौन सी होती हैं। तो प्लेन सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं जिसमें IEST या EST लग के हम उनका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। मतलब समझ में आई बात, जैसे बेस्ट है तो बेस्ट में EST लगा हुआ है, या फिर मैंने बोला टॉलेस्ट है तो टॉलेस्ट भी क्या है, प्लेन सुपरलेटिव डिग्री है, या मैंने बोला स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट भी क्या है, प्लेन सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन मैंने बोला मोस्ट ब्यूटीफुल तो ये प्लेन सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, मैंने बोला मोस्ट करेजियस तो सुपरलेटिव डिग्री तो है लेकिन प्लेन नहीं है। तो प्लेन सुपरलेटिव डिग्री के साथ याद रखना है थोड़ा सा बात, जो प्लेन सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके साथ वेरी मच का हम यूज करते हैं, इन्हीं को हम एक नाम से जानते हैं, इंटेंसिफायर। क्या नाम देते हैं इनको, इंटेंसिफायर्स। ये कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिग्री को और इम्फेसाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, डिग्री को और इम्फेसाइज कर देंगे, और खासकर इसका यूज हम किसके साथ में करते हैं, अभी इम्फेसाइज करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कर रहे हैं, नहीं तो इनका यूज हम अर्थ के अनुसार जैसा भी होगा पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ कर सकते हैं, वो देखेंगे आगे की क्लास में। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज वेरी द बेस्ट प्लेयर ऑफ माई टीम। अब इस यहां ध्यान से देखो, ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और द इसमें क्या है, आर्टिकल है, और वेरी इसमें क्या है, वही इंटेंसिफायर है, इंटेंसिफायर भी याद रखना ये एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। एक चीज यहां पे आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, अगर सपोज करो सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, और उसके साथ अगर वेरी लगा है और मच लगा है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है और उसके साथ क्या लगा है, वेरी लगा है और मच लगा है। अब बात करते हैं कि ये दा का यूज हम कहाँ करेंगे, वेरी के केस में दा का यूज वेरी के पहले करेंगे, या मच के केस में दा का यूज मच के पहले करेंगे, या वेरी के केस में दा का यूज वेरी के बाद करेंगे, या मच के केस में दा का यूज मच के बाद करेंगे, कहाँ करेंगे, ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो याद रखना वेरी के केस में ये जो दा होता है ना आर्टिकल, इसका यूज हमेशा वेरी के पहले करते हैं, लेकिन मच के केस में क्या होता है, ये हम दा का यूज यहीं कर लेते हैं। आई बात समझ में, मीन्स वेरी के केस में दा का यूज हम वेरी के पहले करते हैं और मच के केस में दा का यूज मच के बाद करते हैं, मीन्स ये सेंटेंस गलत हमने लिख दिया था। तो आपको दा का यूज क्या करना है, यहाँ पे करना, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर ऑफ माई टीम, वही सबसे अच्छा प्लेयर है मेरी टीम का। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक नोट हम और देखेंगे, और वो बेसिकली जो नोट है ना कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के साथ वी कैन यूज ईजली, क्या हम ईजली भी लिख सकते हैं, अनडाउटेडली भी लिख सकते हैं, मतलब बिना किसी संदेह के अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला, दिस इज अनडाउटेडली द बेस्ट
होटल इन दिस सिटी। अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि ये जो होटल है ना, बिना किसी संदेह के इस सिटी का सबसे अच्छा होटल है। अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, याद रखना ये होटल के लिए काम कर रहा, होटल इसमें नाउन होता है, डिग्री जितनी भी होती है नाउन प्रोनाउन के लिए काम करती है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन और प्रोनाउन के लिए काम किया जाए। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो तो आपने यहाँ क्या लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया है, ये सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया, ये आर्टिकल लगा दिया, अनडाउटेडली इसमें क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। अब यहाँ पे आपको एक समझना पड़ेगा कि ये जो दा का यूज है एडजेक्टिव के पहले करें या फिर एडवर्ब के पहले करें। तो एक रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन आ जाए, समझना इस बात को, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल का यूज हम इस नाउन के पहले कर देते हैं, ये पढ़ा होगा शायद आपने। अब सपोज करो किसी भी सेंटेंस में नाउन दिया हो प्लस एडजेक्टिव दिया हो तो आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। या फिर किसी सेंटेंस में अगर नाउन दिया हो प्लस एडजेक्टिव दिया हो प्लस एडवर्ब दिया हो तो उस केस में आर्टिकल का यूज हम एडवर्ब के पहले करते हैं। ये तीन कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल आता है, अगर सेंटेंस में नाउन है एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, अगर सेंटेंस में नाउन है एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। और हर कंडीशन में जो आर्टिकल होता है ना, इट वर्क्स फॉर ओनली नाउन, मतलब ये नाउन के लिए काम करता, तो दा का जो यूज है ना, फिर गलत हमने लिख दिया, हमें यहाँ दा का यूज करना है, मीन्स अनडाउटेडली के पहले आपको दा का यूज करना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री देख लेते हैं कि मीन्स डिग्री बनता कैसे, मीन्स कंपैरेटिव डिग्री हम पॉजिटिव डिग्री से कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो अगला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और वो भी कौन सी एडजेक्टिव, जो डिग्री है जिसकी बनती है, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, समझ गए, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सारी एडजेक्टिव का हम डिग्री बना सकते हैं, सारी का नहीं बनता, कुछ ऐसी भी एडजेक्टिव होती हैं जिनका हम नहीं बनाते, जिनको बोलते हैं हम क्या, हायर डिग्री ऑफ, जिसमें हायर इंटेंसिटी होती है, जैसे आपने बोला गोल्डन, तो गोल्डन क्या है, अपने आप में हायर इंटेंसिटी वाला है, या मैंने बोला परफेक्ट या मेजर बोला मैंने, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जब आप पढ़ोगे आगे की क्लास में। सो फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, तो इसमें पहला रूल नंबर 1 आपको इसमें देखना है, रूल नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। जैसे सपोज करो अगर कोई पॉजिटिव डिग्री दिया हो, क्या दिया है, पॉजिटिव डिग्री दिया है, और इसका आप क्या बनाना चाह रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री, तो इसमें आपको सिंपल सा क्या लगाना है, ER लगा देना है। और अगर इसी का आप सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाह रहे हो, क्या, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक सुपरलेटिव डिग्री इन दिस केस यू नीड टू पुट EST, ओके, बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव बनाना ER लगाना है, सुपरलेटिव बनाना तो EST लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपके सामने लिखा टॉल, हाँ तो क्या बनाओगे, कंपैरेटिव डिग्री, वेरी गुड, टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट। या फिर मैंने जैसे आपसे बोला स्मॉल, तो आप क्या बनाओगे, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, वेरी गुड, सिंपल सा है ये रूल। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं रूल नंबर 2 लिख रहा हूं, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर सपोज करो कोई पॉजिटिव डिग्री है, क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और उसका आपको क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि इस पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या आ रहा हो, ई आ रहा हो, क्या आ रहा हो, ई आ रहा हो, याद रखना,
जैसे कोई पॉजिटिव डिग्री है, उस पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या आ रहा हो, ई आ रहा हो, तो इसका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे ना तो ओनली आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। और सुपरलेटिव जब अगर डिग्री बनाओगे इसका, क्या सुपरलेटिव डिग्री, तो आपको क्या लगाना है पता है, केवल एस टी लगा देना है। क्या लगा देना, एस टी लगा देना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा फाइन, तो देखो फाइन में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो फाइन का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, फाइनर, और सुपरलेटिव डिग्री फाइनेस्ट, क्या हो गया, फाइनेस्ट हो गया। या फिर जैसे मैं आपसे बोलूं एबल, यहां लिख दे रहा हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको एबल, तो हम क्या लिखेंगे, एबलर और एबलेस्ट। ये समझ में है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ई आर आ रहा है, तो इसका ई आ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी लगा देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये रूल नंबर कौन सा था, दिस इज रूल नंबर सेकेंड। अब इसके बाद एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ मैं ऊपर लिखूंगा थोड़ा सा अगले जो रूल्स हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एडजेक्टिव में जो डिग्रीज होती हैं वो कैसे परफॉर्म करती हैं। ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जो हैं, या आपके जो रिलेटिव में हैं, वो उनको भी क्या करेंगी चीज़ें, हेल्पफुल करेंगी, मतलब उनके लिए भी क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी ये। इसके बाद आते हैं रूल नंबर थर्ड पर, क्या रूल नंबर थर्ड। अब रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, अगर सपोज करो कोई पॉजिटिव डिग्री है, क्या कोई अगर पॉजिटिव डिग्री है, और इस पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में, याद रखना लास्ट में क्या है, वाई है, क्या लास्ट में वाई है, और इस वाई के पहले, समझना इस बात को, इस वाई के पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इस वाई को आपको आई में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है, वाई को आई में कन्वर्ट करना है, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको ईआर लगा देना है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सेम केस ईएसटी लगा देना है। क्या लगा देना है, ईएसटी लगा देना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। समझना इस बात को ध्यान से, सपोज करो कोई पॉजिटिव डिग्री है, उस पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आपको क्या करना है, वाई को आई में कन्वर्ट करना है, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर लगाना, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी लगा देना। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं आपके सामने पेश करूं, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा प्रीति, तो अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, वाई है, वाई के पहले टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई को किस में कन्वर्ट कर दिए, आई में कन्वर्ट कर दिए, आई में कन्वर्ट कर दिए, और क्या लगा दिया, ई आर लगा देते, हो गया प्रीटियर, और सुपरलेटिव डिग्री, हाँ वेरी गुड, प्रीटियस्ट। ये आप एक टर्म्स बहुत यूज करते हो, हैप्पी, हैप्पी भाग जाएगी, शायद एक मूवी भी है कोई, तो हैप्पी से क्या बन जाएगा, हैप्पियर, और सुपरलेटिव डिग्री, वेरी गुड, हैप्पीएस्ट, क्या बन गया, हैप्पीएस्ट बन गया। तो आप यहां देख सकते हो ये जो रूल है वो फुलफिल हो रहा है। इसके बाद आते हैं रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ बहुत ही सिंपल है। अगर सपोज करो कोई पॉजिटिव डिग्री है, क्या अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है, और उस पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, वाई मीन्स लास्ट में वाई आ रहा है, और इस वाई के पहले अब कॉन्सोनेंट ना होके क्या हो, वाउल हो, क्या वाउल हो, तो इस केस में जब आप इसका, समझने इस बात को, इस केस में जब आप इसका क्या बनाओगे, कंपैरेटिव डिग्री, क्या
कंपैरेटिव डिग्री, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाँ वेरी गुड, ER लगाना पड़ेगा, वाई में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, EST लगाना पड़ेगा, क्या EST लगाना पड़ेगा। मीन्स अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में वाई है, वाई के पहले वाउल है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वाई में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, सीधा आपको ER लगा देना है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगा देना है। जैसे मैंने बोला गे, तो गे माने क्या होता है, हैप्पी, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा गेयर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, गेएस्ट। हाँ आई बात समझ में आ नहीं आई। जैसे मैंने एक टर्म्स और बोला ग्रे, तो ग्रे का क्या हो जाएगा, ग्रेयर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेएस्ट, ग्रेएस्ट। ये बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, अगले रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5th, रूल नंबर 5th, अब ध्यान से समझना। रूल नंबर 5th ये बोल रहा है कि अगर सपोज करो कोई एक पॉजिटिव डिग्री आए, क्या है, पॉजिटिव डिग्री आए, और उस डिग्री के लास्ट में, उस डिग्री के लास्ट में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, और इस कॉन्सोनेंट के पहले एक कोई शॉर्ट वाउल हो, क्या हो, शॉर्ट वाउल हो। याद रखना वाउल दो टाइप के होते हैं, इसके अलावा भी बहुत टाइप के होते हैं, वो हम आपको बताएंगे बाद में। एक शॉर्ट वाउल होता है, एक लॉन्ग वाउल होता है। शॉर्ट वाउल में ज्यादातर हम स्लैश के साथ ये वाले उसका यूज करते हैं सिंबल का, और लॉन्ग वाउल के साथ, स्लैश के साथ हम ज़्यादातर ये वाले सिंबल का यूज करते हैं। समझ गए, जब आप फोनेटिक्स पढ़ते हो, साउंड कैसे, कौन सा अल्फाबेट कैसे निकालता है, जब आप वो पढ़ते हो ना, तो उसमें सिखाया जाता है, वो पूरा एक अलग ही टॉपिक है। तो शॉर्ट वाउल ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है, और लॉन्ग वाउल ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है। अब देखो शॉर्ट वाउल कैसे बोलते हैं, मैंने बोला कट, तो कट में आपने जो बोला ना, ये जो यू का प्रोनंसिएशन है शॉर्ट है, बिल्कुल एक बार में आपने बोल दिया कट, लेकिन जैसे ही आपने बोला फूल, तो फूल वूल ऐसा लग रहा है खिंच रहा है, मतलब आप इसमें क्या कर रहा है, जो आपका जो जो आपका एयर है ना, जो यहाँ लंग से निकल रहा है ना, ऐसा लग रहा है माउथ के थ्रू क्या हो रहा है, खिंच रहा है, फूल कूल, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, आप बोल के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ऐसे वाउल को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वाउल कहते हैं। जैसे कट है, मैट है, रेड है, तो इसमें जो ये साउंड है ना वाउल का, ये कैसा है, शॉर्ट है। तो यहाँ पे भी आपको वही फोकस करना है कि जब किसी भी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के पहले वाउल हो, लेकिन ये वाउल कैसा हो, शॉर्ट हो, तो उस केस में ये जो कॉन्सोनेंट होता ना डबल हो जाता है, मतलब डबल ऑफ कॉन्सोनेंट। मीन्स इस कॉन्सोनेंट को आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, ये वाला जो कॉन्सोनेंट है ना, इसको डबल कर दोगे, और डबल करने के साथ जब इसका आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे ना, तो उसमें आप क्या लगा दोगे, ER लगा दोगे, और जब आप इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो आप क्या लगा दोगे, EST लगा दोगे, क्या लगा दोगे, EST लगा दोगे। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे मैंने बोला देखो यहाँ पॉजिटिव डिग्री मैंने लिखा रेड, तो रेड का क्या हो जाएगा, अब इसको एक बार में बोल पा रहे हो, मीन्स इसमें जो आपका वाउल है ना वो शॉर्ट है, तो आप कैसे बोलोगे रेड, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, RE, आप देखो D है, D के पहले बाउल आ रहा है, ये बाउल कैसा शॉर्ट है, तो इस केस में इस D को हम डबल करेंगे, मैंने बोला था ना कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, डबल करेंगे, और क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या लगाएंगे, EST लगा देंगे। जैसे आपने बोला बिग, तो बिग में भी यही सेम केस होता है, बिग, बिगर, G को डबल कर देंगे,
और ER लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST लगा देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं रूल नंबर 6 पर, और रूल नंबर 6 जो बेसिकली बेस्ड है वो सिलेबल्स पर बेस्ड है। क्या सिलेबल्स पर बेस्ड है? क्योंकि बहुत सारे आपके सामने ऐसे भी एडजेक्टिव आते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगा होता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगा होता है? मोस्ट लगा होता है। क्या लगा होता है? मोस्ट। तो रूल नंबर 6 किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन सिलेबल्स। अब इस सिलेबल्स आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली में सिलेबल्स क्या होते हैं। तो सिलेबल्स कुछ नहीं होते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। मतलब ये बेसिकली क्या होते हैं, जब कोई एक वर्ड होता है ना, तो उस वर्ड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, क्योंकि वर्ड में बहुत सारी यूनिट होते हैं। जैसे मैं बोलूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में देखो ब्यू एक अलग यूनिट है, टी एक अलग यूनिट है, और फुल एक अलग यूनिट है। तो ये क्या होते हैं? सिलेबल होते हैं। जैसे ब्यू एक सिलेबल है, टी एक सिलेबल है, फुल एक सिलेबल है। जैसे मैंने बोला हैंड सम, तो हैंड एक क्या है? सिलेबल है। और सम भी एक क्या है? सिलेबल है। तो याद रखना कि जो रूल नंबर 6 है वो किस पे बेस्ड है? सिलेबल्स पर बेस्ड है। अब सिलेबल्स पे कैसे बेस्ड है वही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिलेबल होते क्या चीज है। तो सिलेबल क्या होते हैं? ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी वर्ड के। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा प्रोनंसिएशन करके। मीन्स जब हम कोई चीज़ प्रोनंसिएट करेंगे तो उस केस में हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने सिलेबल हैं कितने सिलेबल नहीं है। जैसे मैंने बोला बिग, तो इसमें पता चल रहा एक ही सिलेबल है। मैंने बोला गुड, तो इसमें एक ही सिलेबल है। मैंने बोला टॉल, तो इसमें एक ही सिलेबल है। मैंने बोला स्मॉल, इसमें एक ही सिलेबल है। लेकिन मैंने बोला इंडस्ट्रियस, तो इंडस्ट्रियस मतलब इसमें कहीं ना आपको 3 से 4 सिलेबल दिख रहे हैं। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? या फिर मैंने बोला आपसे करेजियस, तो करेजियस, करेजियस मतलब इसमें 4 सिलेबल्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज इसमें देखेंगे, उसके बाद हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, और इसी का क्या बनाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जो ये यूनिट होगी उसमें एक बाउल का होना बहुत ही ज्यादा क्या है? कंपल्सन है। समझ गए? अब ये चीज अगर समझ में आ गई होगी तो अब ये कैसे फॉर्म होता वो देखते हैं। तो रूल नंबर 6 जो बेसिकली है वो बेस्ड ऑन सिलेबल है। तो देखो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, व्हेन अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू सिलेबल्स। देखो समझना ध्यान से, जब कोई वर्ड दो या दो से ज्यादा सिलेबल से बना होगा ना, तो उसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, समझना इस बात को ध्यान से, उसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, क्या कंपैरेटिव डिग्री, तो उस केस में हम मोर का यूज करते हैं, और जब हम उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम उसका यूज उसके लिए केस का यूज करते हैं, मोस्ट का यूज करते हैं। ये चीज हमें कैसे पता चलेगा? ये चीज हमें पता चलेगा जब हम उस किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन करेंगे एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा ब्यूटीफुल, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। अगला जैसे मैंने आपके सामने लिखा इंडस्ट्रियस, 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 तो मोर इंडस्ट्रियस, और
मोस्ट इंडस्ट्रियस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको जब प्रोनंसिएट करोगे तो देखो ब्यू टी फुल इन डस ट्रू अस इंडस्ट्रियस। आप बोल के देख लेना, जिसमें आपको दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सिलेबल मिल जाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगा देना और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगा देना। अब आते हैं इसके लास्ट रूल पे, रूल नंबर 7, इररेगुलर कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। मींस आपके सामने कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो हम बनाते हैं ना, तो अलग ही टाइप से बनते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं चलता, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आप यहाँ एक काम करिए, लिखिए पॉजिटिव डिग्री, वो देख लेते हैं, इसके बाद लिखिए कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ आप लिखिए सुपरलेटिव डिग्री। देखो ध्यान से समझना इसको, बहुत ही सिंपल है, आपने जरूर पढ़ा होगा, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा गुड, वेल, हाँ, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, समझ गए। इसके बाद मैंने बोला बैड या एबल, या फिर मैंने आपसे बोला एबल हो गया इल, इन तीनों का होता है वॉस वर्स्ट, वर्स्ट वर्स्ट जिसको बोलते हैं। इसके बाद अगला मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मैंने बोला ओल्ड, तो ओल्ड का होगा एक ओल्डर, एक होता एल्डर और सुपरलेटिव डिग्री होगा ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। इसके बाद अगला देखो, मैंने बोला लेट, तो एक मैंने बोला लेटर, एक मैंने बोला लेटर, और एक मैंने बोला लेटेस्ट, और फिर मैंने बोला एक लास्ट। याद रखना ये लेटर वाले का लास्ट है, ये कंफ्यूज मत होना, और लेटर वाले का ये है लेटेस्ट। फिर मैंने अगला आपके सामने लिखा लिटिल, तो लेस लेसर दो होते हैं इसके, एंड लीस्ट, लीस्ट हो गया। इसके बाद फिर मैंने अगला लिखा फार, फार्डर और फार्डेस्ट। फिर मैंने लिखा मच और मैनी, तो यहां लिख दिया मैंने मोर, और फिर मैंने लिख दिया मोस्ट, और इसके बाद यहां मैं लिख दे रहा हूं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, वही है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, एंड दिस इज योर सुपरलेटिव डिग्री। देखो अगला है फोर, एफ ओ आर ई फोर, फॉर्मर, तो फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट क्या हो गया, फॉरमोस्ट, इतना आप लोग याद कर लो, ये आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको क्या होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। तो आई होप ये जो मैंने डिग्री वाला सेक्शन था वो मैंने आपको समझाया और मैंने कंप्लीट भी करवा दिया। 7th क्लास में इतना ही आता है, और इसको आप प्रॉपर एक नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार देखिएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे और फिर वहाँ पर आपसे ये फिलर हम करवाएंगे, और इसका एक लेक्चर और आएगा जो बेसिकली किस पे बेस्ड होगा, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पर बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, जैसे ओल्डर एल्डर में क्या अंतर होता है, लेटर लेटर में क्या अंतर होता है, लेस लेसर में क्या अंतर होता है, फार्दर फर्दर, ये सारे जो टर्म्स होते हैं,
ये क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो इसी के साथ एंजॉय करिए, अपना केयर करिए और खुश रहिए। मे गॉड ब्लेस यू।